माँ आप मुझसे नाराज हैं? बहू तुम्हें बिंदिया से भारी बर्तन नहीं उठवाने चाहिए थे, महाराज जी से कह देती। माँ मैंने महाराज जी से ही कहा था, पर पता नहीं क्यों बिंदिया ने खुद ही उठा लिया। उसे नहीं उठाने चाहिए थे, काम के जोश में भूल गई। लेकिन तुम कैसे भूल गई कि जो हमारे काम होते हैं वो हमें करने चाहिए। मानती हूँ घर में काम ज्यादा है, समय नहीं है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी तो हमारी बनती है ना। आप सही कह रही हैं, मैं आगे से ध्यान रखूंगी। वो रमांटी की साड़ी के लिए सॉरी, पता नहीं मैंने पैकिंग करते वक्त देखा ही नहीं, क्यों मेरा ध्यान ही नहीं गया कि साड़ी फटी हुई है। ऐसी गलती हमारी तरफ से होनी ही नहीं चाहिए, हम लड़की वाले हैं बहू। मैं तो बस ये मना रही हूँ कि रमा बहन को सच कुछ बुरा ना लगा हो। अब क्यों हो गया, कैसे हो गया, क्या फर्क पड़ता है, शर्मिंदा तो हम हो गए ना। बहू एक बात और कहनी है तुमसे, तुम्हारे साथ जो हुआ वो हम समझते हैं, भगवान ना करे किसी के साथ भी वैसा हो। जब तुम्हारा उतरा हुआ चेहरा देखते हैं तो हम सबको दुख होता है। तुम बताओ क्या हमारा मन लगेगा घर के किसी भी काम में, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं ना खुद को ब्याह के कामों में व्यस्त रखने की। बहू कब तक उस दिन को अपने साथ ऐसे लेकर चलोगी। मुन्ना को देखो, वो भी खुद को संभालने की कोशिश कर रहा है ना, अब तुम भी कोशिश करो। हाँ माँ मुझे ध्यान रखना चाहिए, मुझे पता है पिछले दिनों किसी भी काम में मैं अपना मन नहीं लगा पा रही हूँ। I'm sorry, लेकिन अब आप निश्चिंत रहिए, अब ऐसा नहीं होगा। जो भी जिम्मेदारी आपने मुझे दी है ना, अब उसमें कोई गलती नहीं होगी। अब आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दीजिए और भरोसा रखिए मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगी। हम सब तो यही चाहते हैं बहू कि तुम खुश रहो। बेटा कोशिश करो, खुशी खुशी घर के काम करो, मुझे तुझ पर पूरा भरोसा है, इसीलिए तो ये जिम्मेदारी दी है तुझे। अब चलो कितने काम करने हैं देख लो। हाँ हाँ धन्यवाद, रखती हूँ। इतने सारे लोगों को नियुक्तियाँ दी है, आप क्यों खर्चा बढ़ाते हैं? सब लोगों को फेरों में मत बुलाइए, बस अपने रिश्तेदार होने चाहिए, बाकी लोगों को आप रिसेप्शन में बुलाइएगा,
ठीक है ना? अरे बिंदिया आ गए, आजा बेटा। ये क्या खाली जूस पी रही है? इसके साथ कुछ खा ले। माँ मैंने खा लिया था, भाभी माँ ने मुझे सुबह लड्डू दिए थे। अच्छा। माँ रश्मि ने ये डिजाइन पसंद किए हैं, एक बार आप भी देख लीजिए। देखिए भाभी माँ। ये प्यारा है, ये तो सभी बहुत प्यारे हैं। हाँ बाबू बहुत प्यारे हैं। कारीगर को अभी दे दो बनने के लिए, समय लगेगा ना? हाँ जल्दी दे दीजिएगा, वैसे ही बहुत देर हो चुकी है। लेकिन सभी डिजाइन बहुत अच्छे हैं। हमारी बहू की पसंद सबसे अलग है, इसलिए तो इस पे छोड़ दिया था। अब माँ मैं बाकी काम देख लेती हूँ, कुछ हो तो मुझे बताइएगा। ठीक है बेटा। बहू सुनो, वो तुम्हारे सोने की चेन है ना जो जोधपुर से मंगाई थी, वो दे दो, रश्मि के लिए वैसी ही बनवानी है। ठीक है मां। सॉरी बेटा, फिर डॉक्टर ने क्या कहा? दादी डॉक्टर ने दवाई दी और कहा है कि बुखार चला जाएगा, लेकिन ये तो चुप ही नहीं हो रही है, रोए जा रही है। कोई बात नहीं बेटा, बुखार में बच्चे अक्सर चिड़चिड़े हो जाते हैं। बस मेरी राजकुमारी चुप हो जा। माँ अक्षरा राह देख रही होगी, क्यों ना हम अक्षरा को यहाँ बुला ली? नहीं नहीं बेटा, उसे घर में काम होंगे, कल भी बच्ची को देने आई और तुरंत चली गई, उसे मत बुलाओ। अक्षरा गई? हाँ अक्षरा। माँ अनन्या रो रही है? हाँ बेटा, वो बस थोड़ा बुखार हो गया इसे। अच्छा बुखार है, आपने डॉक्टर को दिखाया? हाँ हाँ डॉक्टर को दिखा दिया है और दवा भी दे दी है, थोड़ी देर में बुखार उतर जाएगा, तो चिंता मत कर। हाँ बस बस चुप हो जा मेरी राजकुमारी, ये तो बहुत ज्यादा रो रही है। सुन अक्षरा, बेटा मैं तुझे थोड़ी देर बाद फोन करती हूँ। हाँ तू फिक्र मत कर, दवा दे दी है, बुखार उतर जाएगा। अच्छा ठीक है माँ, आप इसे देखिए, मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। हाँ गई है। जरा पलट कर तो देखिए कोई आया है। नैतिक कब आया? मुझे डराई दिया था आप। अक्षरा आप भी ना, क्या सोच रही थी आप? कुछ नहीं, मैं आपके कपड़े निकाल के लाती। ये क्या? मेरे ट्रैक्स दे दीजिए। अरे सॉरी अभी नहीं। क्या हुआ, आज अनन्या नहीं आई? अनन्या को बुखार है। बुखार है? ज्यादा तो नहीं? मेरी माँ से अभी बात हुई थी, वो ज्यादा कुछ बोल ही नहीं पाई, बहुत रो रही थी। वर्षा को पता नहीं पता भी है या नहीं, वो तो एग्जाम दे रही होगी ना, क्या करूं। हालांकि माँ और दादी तो हैं उसके पास, लेकिन फिर भी मुझे बहुत फिक्र हो रही है, बहुत बहुत आदत हो गई है उसकी। हाँ तो हम एक काम करते हैं, हम अनन्या को देखने चलते हैं। अब भाभी का पेपर भी हो गया होगा, उनका वैसे भी कॉलेज तो रास्ते में ही है ना, हम उन्हें पिकअप करते हुए चलेंगे। आप नहीं नैतिक, रहने दीजिए, मुझे बहुत काम है। माँ ने मुझे वो मेरी चेन निकालने के लिए कहा था, रश्मि के लिए ऐसी बनवाना चाहती है, देखिए ना कैसे उलझ गई है सारी की सारी। और कारीगर को रश्मि का लहंगा भी बनने को देना है। अच्छा तो कारीगर को हम डिजाइन जाते हुए दे देंगे, आप अनन्या से भी मिल लीजिएगा। हाँ चलिए चलिए। नहीं नहीं अरे आइए, कहाँ लेके जा रहे हैं?
मुन्ना आ बेटा, तुझसे पूछना भी था, तेरी शेरवानी के लिए कपड़ा मंगवाऊं या तू रेडीमेड लेगा? माँ वो तो मैं आपको सोच के बताता हूँ, अभी मैं आपसे बस ये कहने आया था कि हम लोग थोड़ी देर अक्षरा के मायके जाने की सोच रहे थे। क्यों? सब ठीक है? माँ अनन्या को बुखार है और वर्षा भाभी पेपर देने गई हैं, तो हमने सोचा कि हम थोड़ी देर दिखाते हैं। डॉक्टर को दिखाया? आजकल बुखार बहुत फैला हुआ है। हाँ माँ डॉक्टर को दिखाया, वो माँ बता रही थी कि अनन्या बहुत चिड़चिड़ी हो गई है बुखार की वजह से, बहुत रो रही है। बच्ची ही तो है। हाँ जाओ देखा उसे। माँ हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ माँ, और वो हम बाजार होते हुए जाएंगे तो क्या मैं लहंगा बनने के लिए दे दूँ? उसका डिजाइन फाइनल हो गया है। ठीक है चलिए। कैसी है अनन्या? अरे मुझे लगता है इसे नींद आ रही है, मैं इसे ऊपर कमरे में सुला देती हूँ। ठीक है बेटा ले जा। चल एग्जाम्स कैसे जा रहे हैं? आज नहीं गए क्या? अब कह दे कि अनन्या को बुखार था तो इस वजह से तूने पेपर मिस कर दिया, ये बहाना भी चलेगा। या फिर ये कह दे कि आज पेपर था ही नहीं, यहां सब लोग हैं ना, माँ काकी दादी सब लोग तेरा साथ देंगे। क्यों आप लोग इसकी झूठ में इसका साथ दे रहे थे? सब पता है मुझे, कोई एग्जाम नहीं था इसका, अभी अभी इसके कॉलेज से ही होकर आ रही हूं। क्यों तूने मुझसे ये सब कहा? अक्षरा वो तूने मुझसे क्यों कहा कि पूरे एक महीना तेरा पेपर चलेगा? क्यों तू अनन्या को मेरे पास ले आई? कौन सी माँ अपनी लाडली बेटी को घंटों अपने से दूर रखेगी? बोलना क्यों किया? तू चुप क्यों है? नहीं बोलेगी कि तूने ये सब मेरे लिए किया? अक्षरा मैं तो सिर्फ तेरी खुशी चाहती हूँ बस। अगर तुझे अनन्या से खुशी मिलती है तो सही है ना? पागल है तू, बिल्कुल पागल। कैसी माँ है तू? कौन सी माँ ऐसा करेगी? देखा दादी आपने कितनी चालाक है ये, मुझे कुछ भी नहीं पता चलने दिया, मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं पड़ी कि मैं एक छोटी सी बच्ची को अपनी माँ से दूर कर रही हूँ। अनजाने में कितनी बड़ी नाइंसाफी हो गई मुझसे। सॉरी वर्षा, मैं जानती हूं मेरे साथ जो भी हुआ
उससे आप सब लोगों को बहुत दुख हुआ है, इसीलिए शायद आप इतने मजबूर हो गए कि। अक्षरा तू ये क्या बोले जा रही है? वो कहते हैं ना, माँ बेटी दो जात और बुआ भतीजी एक जात। तेरा अनन्या के साथ खून का रिश्ता है तो परायों के जैसे क्यों बोले जा रही है? और वो मुझसे कहाँ दूर है जब उसकी बुआ उसके पास है? अक्षरा क्या भतीजी अपनी बुआ के पास नहीं रह सकती? और अगर अनन्या को तेरे पास खुशी मिलती है तो इसमें एक माँ को क्या तकलीफ हो सकती है? बस कर, हर बहस तुझे ही जीतनी है ना। देखा आपने नैतिक, हमेशा यही करती है, जब भी मैं इसे डांटती हूँ ना तो अपनी बात बना के मेरे सामने रख देती है। हर बार पढ़ाई में भी मुझसे आगे और दोस्ती निभाने में तो और भी आगे। अरे अपनी बातों में तो हम अनन्या को भूल ही गए, चलिए इसे सुला देते हैं। आ जाओ बुआ के पास। अब आप दोनों सहेली आराम से बातें कीजिए, अनन्या को सुलाइए, मैं ऑफिस जाता हूँ, एक जरूरी मीटिंग है, आपको शाम को पिकअप करना होगा। अरे नहीं नहीं नैतिक, मैं भी अभी निकलती हूँ। नहीं बेटा थोड़ी देर तो बैठना, बैठिए ना जमाई साहब। हाँ अक्षरा आप रुकिए ना, मैं चलता हूँ। बाय अनन्या। बाय करो, बाय करो। राधे कृष्ण। राधे कृष्ण। इतने सारे मैसेज हो, एक फोन तक नहीं कर सकते मुझे, मेरे मैसेज का कोई रिप्लाई तक नहीं किया, कम से कम एक मैसेज तो छोड़ सकते थे। अरे बेटा वो काम में लगे होंगे इसलिए नहीं उठा पाए, और तुझे तो पता है कि उन्हें बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है, तो बाद में फिर से कर लेना। माँ मैं कोई फोन वोन नहीं करने वाली अब उन्हें, जब तक कि वो खुद मुझे नहीं करते। घर में रहती हूँ तब तक ठीक है, लेकिन अब तो उनसे दूर आ गई हूँ, मेरा बात करने का मन करता है। माँ दादा को देखिए, भाभी की जरा सी तबीयत खराब है और हर वक्त उनके साथ रहते हैं, मीटिंग्स तक कैंसिल कर देते हैं। अपू ये सब दिखावे की बातें, आजकल लड़कियों के तो नखरे होते हैं, तो नैतिक भी उठा लेता है, लेकिन मेरी जमाईसा को तो पता है कि तू उनकी सबसे प्यारी बीवी, तो उसमें दिखावा करने की क्या जरूरत है? देख तेरे आराम के लिए उन्होंने ये नरम तकिया दिए, तू बैठ और ये दूध पी। मैं नीचे देख कर आती हूँ बाकी सब लोग क्या कर रहे हैं। भाभी माम खाने में क्या बनेगा? मैं आलू मेथी बना रही हूँ, तू गोभी बना, बहू को भी पसंद है ना। बहू आई नहीं अब तक, अनन्या के पास रुक गई होगी, रहने दो उसका भी समय कट जाएगा, अनन्या के साथ बहुत खुश रहती है। मैं भी तो यही चाहती हूँ भाभी माँ कि अक्षरा खुश रहे, अनन्या यहाँ आती जाती है तो मुझे भी खुशी होती है, लेकिन ये कब तक चलेगा? मैं तो चाहती थी बहू रश्मि के ब्याह के कामों में व्यस्त हो जाए, लेकिन उसका मन तो वहां नहीं लग रहा है। भाभी माँ बहू का अनन्या के साथ इतना ज्यादा लगाव अच्छा नहीं है, आखिर कब तक आती रहेगी वो यहाँ? और एक ना एक दिन वर्षा को भी बुरा लगेगा कि उसकी बेटी अक्षरा के इतने करीब हो गई। वर्षा समझती है छोटी दुल्हन। हाँ भाभी माँ, लेकिन अक्षरा कब तक किसी और के बच्चे में अपनी खुशियां ढूंढेगी? अक्षरा तो माँ बनने का सुख पाते पाते रह गई, अब तो बार बार मन में यही ख्याल आता है कि हमारी बहू को माँ बनने का सुख प्राप्त होगा भी या नहीं। प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।